वाला डम्बो होता है ना, डम्बो, लुक एट दैट, फोर सीजंस इन स्कर्स और इन गिलगित बल्तिस्तान इन चिन, ऑफ कोर्स बर्फ है तो ठंडी होगी, मेरी बातें इधर जो है लैंड स्लाइडिंग होती रहती है, इट इज सो अमेजिंग। अच्छा तो यहाँ मेरा कोहिनूर छुपा हुआ है, या और क्या था टाइम, एट मेडिवल टाइम एक ड्रैगन हुआ करता था। आप इतनी कमजोर क्यों? अब हम पहुंचे हैं डम्बू दास। ये वाला डम्बो होता है ना, डम्बो, डम, ये है डम्बू दास। ये डम्बू दास जो है इनकी यहाँ पे ये मार्केट है और घर वर बने हुए हैं। आप देखिए एटीएम, जीएटीएम ये सब नजर आ रहा है आपको। विलेज है ये, लोग यहाँ पे रहते हैं और मेरे ख्याल से ज़रूरियात की चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। Four seasons in Skazu or in Gilgit Baltistan in Chile. One is spring, that is the blossom season. उसके बाद फिर समर आता है जो अभी चल रहा है। उसके बाद फिर आता है ऑटम, उसके बाद फिर आता है उसके आता है विंटर्स। सो इन सब का अपना एक डिफरेंट सा टेक्सचर है, बिल्कुल डिफरेंट कलर्स चेंज हो जाते हैं, विंटर्स में बिल्कुल हर चीज व्हाइट हो जाती है। हाँ। व्हाइट हो जाती है, बहुत ज्यादा स्नो होती है। कितना डाउन होता है टेम्परेचर, कितना जाता है? माइनस 20-22 तक जाता है। तो आउटसाइड लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है? नहीं, होती है लेकिन बहुत लिमिटेड होती है। टूरिज्म तो नहीं होता होगा उस टाइम पे? बहुत ही लिमिटेड। वही आते हैं जो इंटरेस्टेड है ना। ये देखे, इस तरह का विलेज मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। जैसे मेजम कह रहे हैं मैं आपको फेंक दूंगा, आप बहुत बोलती हैं, जब से आई है नॉन स्टॉप बोल रही हैं, सो मैं आपको किराने लगाऊं। अब देखे मैं बिल्कुल एज पर हूं और ये आप चेक करें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बस यहाँ पे होना चाहिए घर मेरे पास, एक इधर रहना है मुझे डेजी के साथ, फिरती रहेगी, रुलती रहेगी डेजी। ब्यूटीफुल, आई लाइक दिस प्लेस। भाई ये भाई मेज़म कुछ बात करो, बोलो एक वाटर शॉर्टेज दे दें यार, छोटी बॉटी। हाँ प्लीज, से रिक्वेस्ट करते हैं, बोले छोटा सा कॉटेज दे दें, एक कमरे का, जैसे स्टूडियो, वन बेडरूम और साथ उसके एक बाथरूम और एक किचन। टू लुक एट दैट माउंटेन्स, और ऊपर अभी भी बर्फ है, बिल्कुल टॉप पे आप देखें तो शदीद गर्मी में भी बर्फ है। यहाँ पे हमें गर्मी लग रही है जबकि 25 है टेम्परेचर, लेकिन धूप बहुत ज्यादा है, तो ऊपर जो बर्फ है वहां पे ठंड होगी यकीन। यस डा, ऑफ कोर्स बर्फ है तो ठंडी होगी, मेरी बातें। मेज़म किधर हम एंटर हुए? पहुंचे स्टक रोंदू, ये भी रोंदू का ही हिस्सा का ही एक छोटा सा विलेज है। तो ये मेज़म जो है बेचारा बहुत अच्छा लड़का है, बड़ी कंफर्टेबल हूँ मैं इसके साथ, सारे बहुत अच्छे मिले, बड़े पॉजिटिव, एयरपोर्ट पे बड़े प्यार से पेश आ रहे थे, कोई बैग पकड़ा था, कहीं लैपटॉप पकड़ा था, तो मैं बड़ी खुश हुई कि यार ये तो मेरी तरह के लोग हैं। अभी हमने 2 घंटे का सफ़र तय कर लिया है, 3-3.5 घंटे का सफ़र रहता है। खाना आ गया है, ये जो है कोई सूप है मशहूर, इसको हम रोटी के साथ अब खाएंगे, मटन सूप। मेज़म के यहाँ इन पहाड़ों के स्टोन्स,
अच्छा खाना ये जो स्पॉट था यहाँ पे खा लिया है। गाड़ी में मेरे पास एक था वो फोन होल्डर, वो मैंने एक जगह लगाया है। टैनिंग अभी से मुझे ये देखें कितनी हो चुकी है, जल के मैं राख हो गई हूँ लिटरली। मुँह भी मेरा टैन हो चुका है, धूप बहुत ज़्यादा थी। प्लेन में भी विंडो सीट थी और आपको पता है सी लेवल से 3000 फीट का है फर्क, मतलब ऊंचा है, तो आप सोचें कि डायरेक्ट आपको धूप पड़ रही है। सनब्लॉक वैसे कुछ इतना खास करता नहीं है, फिर भी मैं लगा रही हूँ कि कुछ तो बचत होगी। अब तो जो होना था हो गया, कराची जाके टैनिंग का देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। ऊपर ही लगा लेती हूँ, अब तो जो होना था हो गया है। सनब्लॉक लगा रही हूँ, हाँ सनब्लॉक लग गया है और काम आ गया मेरे लिए मोबाइल होल्डर। अभी तो पता नहीं मैं क्या क्या लेकर आने वाली थी, मेरी लाइट चैलेंज। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब हम स्टक्स रोंदू से निकल रहे हैं। हाँ स्टक्स गोंदू से हम निकल रहे हैं, स्टक रोंदू सॉरी यार मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं रोंदू की जगह गोंदू भी बोल सकती हूँ, पता नहीं क्या कुछ बोल सकती हूँ। बस पेट भर के अब हम निकल गए हैं, कड़ाके की कोई धूप पड़ी हुई है। ये है वो स्टक वैली, हाउ ब्यूटिफुल। अच्छा इन पहाड़ों को देख के पता चल रहा है वो लैंड स्लाइड हुई हुई है ना, वो सारी लैंड स्लाइड हुई हुई है और कच्चे कच्चे हैं। सी सब कच्चे कच्चे से पहाड़ लग रहे हैं, वो जैसे सॉलिड लग रहा है फिर भी। मुझे रास्ते में एक वाटरफॉल मिला और मैंने चीख मारी और मैंने कहा रोको। मैं जूते उतार रही हूँ, मैं पानी में पाँव डाल रही हूँ, आई डोंट केयर। सूटकेस इज इन द कार इन द डिगी, सो इफ आई वांट समथिंग आई कैन ऑलवेज गेट इट। और मुझे क्यों लग रहा है कि ओए होए हाय 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 शदीद कैसे गया है ये, देख रहे हैं लोग खड़े, शदीद कोई गरम हुई भी है। पहले तो मम्मी आउच बहुत गर्म है जमीन, मम्मी आप शहर के पानी में मैं पाँव ना डालूं, ऐसे नहीं हो सकता। लिटर किया हुआ है किसी खबीस ने, ओ माय गॉड इट इज सो अमेजिंग। ठंडा पानी, शदीद गर्मी में ठंडा पानी। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसके अंदर घुस जाऊं, मुझे रोको मुझे रोको। ठंडा बर्फ पानी, बर्फ इतनी ठंडी है वो कमर पे आके लगा है ना, ग्लेशियर ग्लेशियर का पानी है ना, ग्लेशियर का। हाँ यस थोड़ा सा मेरी कमर तो पड़ा है, मुझे ठंड लग रही है। आई एम ऑलरेडी इन लव विद दिस प्लेस। और इधर माइनिंग होती है और इधर से ये जो मिनरल्स हैं स्टोन्स, मैंने वीडियो जो बनाई थी वो इधर से निकलते हैं। अल्लाह मियां मुझे भी कोई कोहिनूर दे दे प्लीज इन पहाड़ों से। ज्यादा मांगना चाहिए, बड़ा मांगना चाहिए। माइनर्स के घर है, देख रहे हैं ये माइनर्स के घर है। ये प्योर लक है। हाँ प्योर लक। हाँ
इट डजंट मैटर कि आपके पास कितनी कितना ह्यूमन रिसोर्स है या कितना इक्विपमेंट आपके पास है, कितना लेटेस्ट इक्विपमेंट आप, इट्स प्योर लक। अच्छा, आपको नहीं पता ना अंदर क्या है। हाँ ठीक है, आपको नहीं पता, ये सिर्फ जो पैचेस नजर आ रहे हैं व्हाइट कलर के, दिस इज द ओनली क्लू, ये जो व्हाइट पैचेस है, व्हाइट जो पैचेस है, दिस इज द ओनली क्लू कि इसके अंदर होगा। हमें तो नहीं जाने देंगे, जाने देते हैं इंस्पेक्शन के लिए, आप जा सकते हैं, लेकिन यू नेवर नो के अंदर क्या है ना, सो इट्स प्योर लक। ओके, ये जो व्हाइट लाइंस और पैचेस नजर आ रहे हैं ये इससे पता चलता है। आपके पास 5 अरब का भी माइंस मिलेंगे आपको, आपको 500 रुपए का भी नहीं मिलेगा। प्योर लक है, गैम्बलिंग की तरह। यस, जब ये डिगिंग होती है इसकी, ड्रिलिंग होती है, इसमें फिर बारूद यूज होता है, ब्लास्टिंग होती है, माइनर किस्म की ब्लास्टिंग, कंट्रोल ब्लास्टिंग। बंदे मरते भी तो होंगे, मरते भी हैं बहुत माइनिंग के बिजनेस में। अच्छा, तो यहाँ मेरा कोहिनूर छुपा हुआ है। जब ये ड्रिलिंग होती है और ब्लास्ट करते हैं, कंट्रोल ब्लास्टिंग होती है, इसके अंदर फिर नेचुरली रूम बना हुआ होता है, अंदर ऑलरेडी अल्लाह मैंने बनाया हुआ होता है, नेचुरली बना हुआ होता है। उसके अंदर वो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, हाय हाय, बिल्कुल अनटच, और किसी पत्थर के साथ जुड़ा बनी होगा, उसके सराउंडिंग में 360 एंगल में कुछ नहीं जुड़ा हुआ होगा, नीचे से उसकी अटैच, सिर्फ अटैच, वाओ, लाइक अ फ्लावर, लाइक अ फ्लावर, वो अंदर शाइन कर रहा होगा। ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव इट। उसके बाद जो अगला स्टेप है उसको बाहर निकालना, इवन साउंड, विदाउट ब्रेक, वो बहुत वो होता है इम्पोर्टेंट के, आई हैव सीन दैट, ब्रेक हो गया तो इट्स उसकी वैल्यू खराब हो जाए। हाँ, जितना सॉलिड, जैसे डायमंड का भी कहते हैं ना, जितना सॉलिड एक पीस में, साइज पे डिपेंड करते हैं, सॉलिड टेयर जो कहते हैं ना, सॉलिड टेयर कि वो वाली बात होती है। हाँ, डैमेज वो ना। तो भाई यहाँ पे मेरा कोहिनूर है, मैं तो सुबह निकल जाऊंगी अपना कोहिनूर ढूंढने। ये रोंदू से ही हम गुजर रहे हैं, रोंदू से अभी हम पीछे से आए आगे, तो ये शिंगुस के नाम से है, और ये जो राइट पे पहाड़ है ऊपर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे इनकी सेटलमेंट है, इधर ये लोग रहते हैं, ये भी एक गाँव है। Beautiful. ये स्लाइड करके सारा नीचे आया हुआ। बाद में इसको अल्टरनेट निकाला इसके बीच में से। इस वैली का नाम है हरामुश वैली। हाँ। यहाँ से जीप ट्रैक जाता है अंदर वैली में ना। हाँ। ऊपर जगह बहुत खूबसूरत सी जगह है, सब मीडो है। हाँ। वहाँ पे एक लेक है। हाँ। That lake is called कुतवाल लेक। कुतवाल ले। अच्छा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग से उसका सराउंडिंग है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल ही किसी यूरोपियन कोई लैंडस्केप में आप फिर रहे हैं। मुझे क्यों बता रहे हो जब लेके नहीं जाना, तो इसलिए बता रहा हूँ ताकि इंटरेस्ट डेवलप कर रहा हूँ। अच्छा, ताकि नेक्स्ट ट्रिप के लिए ठीक है। ब्यूटीफुल, यहाँ पे आके ना लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे लोग शिना बोलते हैं, शिना बोलते हैं, शिना बेसिकली तो पहाड़ी जबान है। अच्छा। लोग जो पहाड़ रहते थे उस टाइम पे ना, वो लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे उस लैंग्वेज में। हाँ, तो शिना में, तो बाद में वो फिर डेवलप होके फिर शिना बन गया। अच्छा, वर्ड ना वो बेसिकली फिर उसको डॉक्यूमेंटेड हुआ। लिखाई आई उसमें, लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, वोकैबुलरी आई। हाँ। सर, बल्ती लैंग्वेज के वोकैबुलरी है। हाँ। बेसिकली बल्ती जब लिखते थे तो इट वाज संस्कृत। हाँ। संस्कृत। अच्छा, हिंदी लिखते हैं। हाँ। उस तरह लिखते थे। हाँ। अभी भी लिखते हैं बहुत कम, लेकिन लोग क्योंकि वो पास नाम नहीं हुआ ना, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए उसको आपको पढ़ना पड़ता है या सिखाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। जैसे सिंधी पढ़ाई जाती है सिंध के स्कूलों में, यहाँ पे उस तरह का सिस्टम नहीं है लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, तो वो डिमिनिश हो रहा है एक तरह से। अच्छा, अब क्या हो रहा है, वो उर्दू में ही लिखते हैं बल्ती भी। अच्छा, उर्दू में ही इसकी लिखाई है, उर्दू में होगी। अच्छा, जो हरामुश वैली की बात हो रही थी, ये वो हरामुश वैली है जिसकी सराउंडिंग्स बहुत खूबसूरत है और लेक है कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी, और मैं यहाँ पे नहीं जा सकती हूँ, तो सिर्फ इसको इसी तरह से देखें,
इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम इसको भी नेक्स्ट टाइम आके देखेंगे और एंजॉय करेंगे, लेकिन मुझे ये इतनी ठंडी जगह लग रही है, ये आगे और ठंडी होगी इस जगह पे. एंड चेक आउट द काउस पिंक एंड व्हाइट. मैं गए यहां वही है ये, वो एक्सेंट भी वही है ये, ऑलमोस्ट एक्सेंट भी वो ये बोलने का अंदाज है, वर्ड्स वैसा ही है, फिर चेंज हो गया ना, है ना, इट्स नाइस, इट्स नाइस, आई लाइक. माय YouTube फैमिली नीड्स टू नो दिस. अच्छा क्या मित है? इन मिडिवल टाइम ना. अच्छा इन मिडिवल टाइम, एट मिडिवल टाइम एक ड्रैगन हुआ करता था इस एरिया में. हाँ. तो वो ड्रैगन बच्चे खाता था. हाँ. इस तरह की कोई मिथ है. अच्छा तो अब एक ऐसा टाइम आया कि यहाँ पे एक बुजुर्ग हुआ करते थे. हाँ. इस एरिया में ना. हाँ. तो उन्होंने कुछ दुआ पढ़ी है और दुआ पढ़ के पत्थर पे मार के और उसको मारा है. हाँ. तो वहीं पे ही सॉलिड फॉर्म में. हाँ. रॉक फॉर्म में उधर ही उसका स्टैचू बना है. अच्छा प्रिजर्व कर दिया, प्रिजर्व हो गया वो प्रॉपर उसका बना हुआ, उसकी टेल भी बनी हुई है. अच्छा. मैंने सुना है, ये सुना हुआ है. अच्छा. काफी ज्यादा लोगों से सुना हुआ है. हाँ. वो इधर ही कहीं है नजर आता है, मेन रोड से नजर आता है जिससे अभी हम चल रहे हैं ना. हाँ. इधर से ही नजर आता है. लेकिन मैं आपको जो है ना, मतलब मेजम मेजम की हेल्प से मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे स्पॉट दिखाऊंगी ना जो आप लोगों को पहले किसी ने नहीं दिखाए होंगे इंशाल्लाह. This is Gilgit. यहीं से देख लें वहाँ की एक जगह. So you can see Karakoram Highway, which is the eighth wonder of the world. अभी जो है धूप कम हो गई है और जल के मैं भसंग हो चुकी हूँ. लोग इस वक्त Gilgit जो है वो एंटर हो चुके हैं. जा जी ले सिमरन अपनी जिंदगी. हाय क्यूट बेचारा बेबी मासूम. गया उधर छुप जाओ जाके कहीं पे. हेलो पीपल एंजॉय. आई मेट अ डॉगी. आप इतनी कमजोर क्यों हो? हाँ? आपको कोई खाना नहीं देता? हाँ? आपको कोई खाना नहीं देता? बताओ मुझे, मैं इसकी पिटाई लगाऊंगी. हाँ? खाना नहीं देता मुझे. बहुत तेज हवा है, बहुत तेज हवा है, बहुत तेज हवा है. You're so pretty. You know that? You're beautiful.
ब्यूटीफुल यू ब्यूटीफुल, लेकिन मेरे हाथ तो गंदे हो गए ना तुम्हारी ब्यूटी के चक्कर में। बारिश शुरू हो गई है, नॉट एग्जैक्टली बारिश बट बूंदा बांदी, इट्स ड्रिजलिंग। सो फाइनली 5:30 बजे मैं पहुंच गई हूँ। सुबह 9 बजे की मेरी फ्लाइट थी, 1 घंटे की फ्लाइट थी, उसके बाद हम निकले 11:30 बजे आई थिंक, 10:30-11 बजे, और अब मैं जाके पहुंची अपने होटल उंजा। और वेदर इज़ ब्यूटिफुल, डे में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, शदीद धूप थी, शदीद सनबर्न हो चुका है, हाथ जल चुके हैं, मुँह भी अफेक्ट हुआ है, बट नेवर माइंड। So it's beautiful. शाम ठंडी है, दिन में बहुत शदीद गर्मी है। होटल मैं पहुंच गई हूँ, अब होटल रूम का टूर आपको करवाऊंगी और रात की एक्टिविटी जो है वो दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो लाजमी देखिएगा और कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको। आई होप आप लोगों को एपिसोड 4 पसंद आई होगी। एपिसोड 5 जो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज तो मैंने कोशिश किया कि मैं कम से कम एडिट करूं, क्योंकि ये ब्यूटी ऐसी है कि ये सबको देखना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। तो अगर बहुत ज़्यादा एडिट कर देती तो फिर मज़ा कैसे आता।